हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स या ट्रीटीज के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और कहीं ना कहीं इस पूरे टॉपिक में या जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जिसको बिम्सटेक भी कहा जाता है यह इंडिया के लिए लगातार और ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट होता चला जा रहा है दोस्तों किसी भी लेक्चर वीडियो के रिसोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पहला लिंक इंग्लिश दूसरा लिंक हिंदी एंड टेलीग्राम चैनल भी सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा थर्टी मार्च को बिमस्टैक बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की फिफ्थ समिट को होस्ट किया वर्चुअली बाय करंट चेयर श्रीलंका श्रीलंका अभी इस रीजनल ग्रुपिंग का करंट चेयर है और इसके ओपनिंग रिमार्क्स में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं चाहे वो यूरोप के हों या रशियन यूक्रेन कंफ्लिक्ट हो इससे जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी स्टेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट किया कि बिमस्टेक जो रीजनल कॉर्पोरेशन है इसे हमें और कहीं ज्यादा एक्टिव बनाना होगा क्योंकि यूरोप से लेके अमेरिका से लेके रशिया से लेके यूक्रेन तक अभी पूरा ग्लोबल ऑर्डर बड़े स्ट्रेस या स्ट्रेन के अंडर है इस वजह से जो रीजनल सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाती है उन्होंने यह भी कहा कि अब टाइम आ गया है कि बे ऑफ बंगाल को हम एक ब्रिज के तौर पे स्टैब्लिश करें चाहे वो कनेक्टिविटी का एरिया हो प्रोस्पैरिटी हो या सिक्योरिटी हो क्या है स्टैक की ये ग्रुपिंग स्टैक में वो सभी कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास हैं या उस एरिया में आती हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं और स्टैक के थ्रू एक लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में कैसे हुई शुरुआत बिमस्टैक के ओरिजिनली इसको फॉर्म किया गया 1997 और शुरुआत में इसको कहा गया बी आई एस टी ई सी या बिस्टी जिसमें बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका एंड थाईलैंड ये हुए बेस्ट और ईसी का मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन उसके बाद ये बन गया बिम्स्ट ईसी जब म्यांमार ने इसको ज्वाइन कर लिया एंड फाइनली 2004 में जब नेपाल और भूटान ने भी इसको ज्वाइन किया तब से इसको बिम्स्टेक कहा जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन तो आप सोच रहे होंगे कि भूटान और नेपाल ये तो बे ऑफ बंगाल एरिया में है ही नहीं तो फिर ये इसका पार्ट कैसे बन गए और मुझे लगता है यही इस पूरे रीजनल अरेंजमेंट की ब्यूटी है और ये नेपाल और भूटान के लिए बहुत बड़े फायदेमंद एक रीजनल ग्रुपिंग हो सकती है जिसके थ्रू हालांकि वो बे ऑफ बंगाल को डायरेक्टली फेस नहीं करते लेकिन उसके साथ कनेक्ट करने में या इस रीजनल ग्रुप का पार्ट बनके साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने में बंगाल एरिया से कनेक्ट करने में यह ग्रुपिंग ऐसे कंट्रीज ऐसे मेंबर कंट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है Bimstack, हमने देखा 1997 से जर्नी स्टार्ट हुई 2004 में बिम्सटेक बना लेकिन उसके बाद कई सालों तक बहुत मेजर रोल इसने प्ले नहीं किया इसको एक्टिवेट किया इंडिया ने फाइनली टू में इस बार की जो फिफ्थ समिट हुई बिमस्टैक की इस वर्चुअल समिट से पहले बिम्सटेक की लास्ट मीटिंग हुई अगस्त 2018 में नेपाल के काठमांडू में कई साल हो गए कई हो गए एक्जिस्ट करते हुए लेकिन लार्जली इसको इग्नोर किया गया लेकिन जब सितंबर 2016 में उरी अटैक हुआ उसके एक महीने के बाद इंडिया ने इस रीजनल ग्रुपिंग को फिर से लाइव करने की मेजर इनिशिएटिव लॉन्च की और ब्रिक्स की समिट हुई उसी साल गोवा में उसके साथ साथ इंडिया में उसी पैरेलल में जो बिम्स्टेक कंट्रीज थी उनके लिए भी इंडिया ने एक आउटरीच समिट को ऑर्गेनाइज किया इसके अलावा उससे कई हफ्ते पहले सभी कंट्रीज ने रफली न्यू डेली का यह असन कि साठ समिट को बॉयकॉट कर दिया जाए क्योंकि हम में से ही एक कंट्री अभी भी टेरिस्ट ग्रुप्स को बैकअप कर रहा है स्पॉन्सर कर रहा है हमारे मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक करने को लेकर जिसकी वजह से इंडिया ने टू में मेजर टेररिस्ट अटैक या उरी अटैक जिसको कहा था उसको फेस किया तो ऐसे केस में इस्लामाबाद में जो शार्क समिट स्केड्यूल्ड है इसको नहीं अटेंड किया जाना चाहिए ज्यादातर शार्क कंट्रीज ने इंडिया का सपोर्ट किया इसके बाद से ही इंडिया लगातार इस बात को कहता रहा है कि जो शार्क का पोटेंशियल है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन इसकी जो पोटेंशियल है पावर है क्या हम इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं टोटली अंडर यूटिलाइज है ऑपरचुनिटीज मिस्ड की जाती हैं वेस्ट की जाती हैं इसका एक बड़ा रीजन रहा है हमारा दोस्त पाकिस्तान पाकिस्तान की जो ऑब्सक्शनिस्ट अप्रोच है या टेर स्पॉन्सरिंग जो अप्रोच रही है उसकी वजह से सार कभी भी एक इंपॉर्टेंट रीजनल ब्लॉक के तौर पर इमर्ज नहीं हो पाया है और ये जब सार समिट रही काठमांडू में 2014 में तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सार के चक्कर में जो ऑपरचुनिटीज हम मिस कर रहे हैं पाकिस्तान के ऑब्सट्रक्शन की, की वजह से या एडमेंट बिहेवियर की वजह से या टेरिस को स्पॉन्सर करने के कारण वो या तो सार को हम ठीक करके उसके थ्रू अचीव करें नहीं तो हमें कोई दूसरा रीजनल ग्रुपिंग तलाशना होगा ये जो ग्रुप है बिम्स की सभी कंट्रीज के लिए इसको आप एक विन विन सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है इस तौर पे देख सकते हैं एक्सपर्ट्स की अगर आप बात माने तो बांग्लादेश के लिए बेम्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अपने आप को ना ही सिर्फ बे ऑफ बंगाल के एक छोटे से कंट्री के तौर पे लेकिन पूरे इस कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर बांग्लादेश अपने आप को स्टैब्लिश करता हुआ देखता है सिमिलरली श्रीलंका इसको एक बड़ी ऑपरचुनिटी के तौर पर देखता है कि किस तरीके से श्रीलंका साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो कनेक्शन ये डेवलप होगा उसमें पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक मेजर हब के तौर पे श्रीलंका एक्ट कर पाएगा इसके अलावा जो वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें भी बिमस्टेक के थ्रू श्रीलंकन बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे जोग्राफिकली लोकेटेड है तो श्रीलंका को भी अपना इसमें मेजर ऑपरचुनिटी फायदा दिखाई देता है नेपाल और भूटान बे ऑफ बंगाल पे लाई नहीं करते लेकिन उनका भी एम है कि इस रीजनल अरेंजमेंट के थ्रू जो उनके लैंडलॉर्क जोग्राफिक पोजिशन हैं जिनका उनको काफी डिसएडवांटेज भी होता है कैसे उस डिसएडवांटेज को आप ऑपरचुनिटी में कन्वर्ट करें इस बिम्स्टैक या बे ऑफ बंगाल रीजनल कॉपरेशन का पार्ट बन के सिमिलरली म्यांमार हो या थाईलैंड हो वो भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ और कहीं ज्यादा डीपली कनेक्ट हो क्योंकि यह उनको अलाउ करेगा इंडिया का जो राइजिंग कंज्यूमर मार्केट है उसको एक्सेस करने का इंडिया जो तेजी से सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग मेजर इकोनॉमी के तौर पर इमर्ज होता चला जा रहा है 2030 तक हो सकता है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड तो उसका मार्केट एक्सेस अगर ऐसे रीजनल अरेंजमेंट्स के थ्रू म्यांमार और थाईलैंड को मिल जाए तो उनके लिए भी एक मेजर ऑपरचुनिटी यह प्लेस करता है इसके अलावा सभी कंट्रीज के लिए एक काउंटर बैलेंस भी हो सकता है खासतौर से चाइना के अगेंस्ट बेजिंग के अगेंस्ट और जो चाइनीज मैसेव इन रोड इन्वेस्टमेंट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया हो साउथ एशिया हो उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी बिम्स्टेक को देखा जा रहा है क्योंकि उसको मेनली लीड कर रहा है इंडिया और इंडिया की बात देखें तो इंडिया के लिए तो बिम्स्टेक में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है बिम्स्टेक की रीजन की बहुत कुछ स्टेट पे हैं एक स्पीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेमस्टैक सिर्फ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को ही कनेक्ट नहीं करता लेकिन ये ग्रेट और बे ऑफ बंगाल को भी कनेक्ट करता है क्योंकि नेपाल एंड भूटान ग्रेट हिमालयाज और बाकी सभी कंट्री टच करते हैं बे ऑफ बंगाल को और उन्होंने कहा कि हमारी जो शेयर्ड वैल्यूज हैं हमारी शेयर्ड हिस्ट्रीज हैं शेयर्ड वेज ऑफ लाइफ हैं हमारी डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बेमस्टैक एक कॉमन स्पेस पीस के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए सभी कंट्रीज के सामने प्रेजेंट करता है और इंडिया के लिए बड़ा नेचुरल जब प्लेटफॉर्म है खासतौर से जो हमारी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज हैं जैसे नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट उनके डायरेक्शन या उनको फुलफिल करने के डायरेक्शन में एक मेजर जो आर्ग्यूमेंट है बिमस्टेक को और स्ट्रेंथन करने को लेके वो है कि चाइना के अगेंस्ट एक मेजर काउंटर वेट ब्लॉक की तरह भी ये एक्ट कर सकता है चाइना ने पिछले कुछ में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू बहुत मेजर फाइनेंशियल हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव साउथ और साउथ ईस्ट एशिया दोनों ही जगह सिर्फ भूटान और इंडिया के अलावा लगभग सभी कंट्रीज में मैसिवली अपने आप को इन्वेस्ट किया है और बिम्स्टैक इंडिया को अलाउ कर सकता है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा को पुश करें चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइनीज या चाइना चाइना का जो डेट है जिसमें ऐसे कंट्रीज जहां पर भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को ने इंप्लीमेंट किया है कर्ज में दबते चले जा रहे हैं उनके अगेंस्ट एक पॉजिटिव बेस्ट प्रैक्टिस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करता हो ऐसे ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया ब्रिमस्टेक को प्रेजेंट कर सकता है जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जनरली इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उनको वॉयलेट करते हुए देखे जाते हैं चाहे बांग्लादेश हो और अभी आप हाल ही में श्रीलंका की भी कंडीशन सुन रहे होंगे जो भी कंट्रीज चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को इनवाइट करते हैं धीरे धीरे करके वो डेट ट्रैप में या कर्ज में दबते चले जाते हैं बे ऑफ बंगाल एक बड़ा क्लासिक शोकेस हो सकता है कि कैसे एक ओपन पीसफुल या जो चाइना का जो बिहेवियर है साउथ चाइना सी सीमा दादागिरी टाइप का या मसल फ्लेक्सिंग का उसके अगेंस्ट या उसके बिल्कुल विपरीत ऑपोजिट पीसफुल तरीके से इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानते हुए इन सभी चीजों को प्रॉस्पेरिटी को शेयर्ड हिस्ट्री शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को अचीव कर सकता है इंडिया बिम्स्टैक के इस मेजर रीजनल ग्रुप के थ्रू इसके अलावा बिम्स्टैक कोशिश कर सकता है अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट डेवलप करने का ताकि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है खासतौर से सी एरियाज में उसको पूरी तरह जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके अनुरूप फॉलो किया जा सके इसके अलावा एक्सपर्ट्स का यह भी सजेशन है कि बेमस्टैप को अगर प्रॉपरली नर्चर किया जाए तो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक रीजन का जो मिलिटराइजेशन बढ़ता चला जा रहा है उसको भी कम करने में मदद कर सकता है बे ऑफ बंगाल में एक जोन ऑफ पीस स्टैब्लिश करके जिसमें जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं उनका जो इंटरफेरेंस लगातार होता चला जाता है इंडो पैसिफिक में बे ऑफ बंगाल में उसको भी लिमिट करने में बिम्स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तो दोस्तों एक शॉर्ट लेक्चर ऑन बिमस्टैक इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग 2016 तक बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं देखी गई लेकिन अब इंडिया कोशिश में है कि इसको रिवाइटिलाइज किया जाए इसको रिवाइव किया जाए और इसको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ हमारे जो दोस्त हैं नेपाल हो भूटान हो थाईलैंड हो म्यांमार हो श्रीलंका हो बांग्लादेश हो इन सभी के साथ मिलकर कैसे साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ हम कनेक्ट करें इसके अलावा हम एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर में एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इंश्योर करें जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का रिस्पेक्ट हो जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स या पॉलिटिक्स या उनके की तरह ट्रैप्ड या इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट करते हुए ऐसी कोई चीज ना हो तो इंडिया के लिए चाहे हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो एक्टिस्ट पॉलिसी हो उसी पूरे व्हील में इंपॉर्टेंट कॉग है बिमस्टैग स्टेट यूट जय हिंद